श्रीनगर के पंथा चौक पर 24 जून को सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर पाकिस्तानी लश्कर आतंकियों के हमले का जवाब देने के दौरान शहीद हुए गोरखपुर के साहब शुक्ला के हत्यारों को उनकी शहादत के चंद घंटे बाद ही सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। हमले के बाद आतंकी पास के ही श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर स्थित एक निजी स्कूल की इमारत में जा घुसे थे। सेना सीआरपीएफ और पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर दोनों आतंकियों को मौके पर ही ढूंढ लिया था। 25 जून को गोरखपुर शहीद के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ लाया गया। उनके गांव ही नहीं बल्कि कई गांवों के लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी। कई दिनों तक कोई न कोई नेता व अधिकारी शहीद के घर पहुंचकर परिवार के लोगों को आश्वासन देता रहा। किसी ने शहीद के नाम पर सड़क बनवाने का वादा किया तो किसी ने शहीद की मूर्ति लगवाने का। वहीं परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद के गांव पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लेकिन लगभग 6 माह बीत गए और आज भी शहीद के परिवार को मदद की दरकार है। शहीद की पत्नी के अनुसार उनका पूरा परिवार था और उनके परिवार के केवल एक ही कमाऊ सदस्य थे। सर मिले थे तो उन्होंने नौकरी के लिए आश्वासन दिया कि ठीक है, इस पर विचार हो रहा है कि हर शहीद के परिवार को एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी, उन्होंने यही कहा था। और उसके बाद फिर उनका भी कोई वो नहीं। सीएम साहब से उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक उनको याद नहीं आई, फिर भी हम उन्हें याद दिलाना चाहेंगे। गोरखपुर से जनमत न्यूज के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।